नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा वर्मा। स्वागत है आपका NI 24x7 न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली के रजौरी गार्डन मार्बल डीलर एसोसिएशन रजिस्टर्ड की तरफ से आज रजौरी गार्डन रिंग रोड मार्बल मार्केट में जोरदार रोष प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक के पास इस प्रदर्शन में सैकड़ों मार्बल व्यापारियों और हजारों कर्मचारियों तथा उनके परिवार ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन को उद्देश्य सरकार मॉनिटरिंग कमेटी, माननीय न्यायालय, संबंधित विभागों और अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाना था ताकि मार्बल व्यापारियों और उससे जुड़े कर्मचारियों को राहत मिल सके। रजौरी गार्डन मार्बल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंगल, महासचिव महेंद्र सेठिया, कोषाध्यक्ष आनंद प्रकाश जाजू और एवं समिति के सदस्यों ने सभी व्यापारी भाइयों और कर्मचारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने में धन्यवाद किया। रजौरी गार्डन मार्बल डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन नवरतन जवर ने इस बारे में कहा, सीलिंग किसी नोटिस के बगैर किया गया है और ये सब अवैध है। इस सीलिंग से मार्बल उद्योग का भारी नुकसान हो रहा है, सरकारी राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। मार्बल व्यापारी वर्ग, कर्मचारी और उनका परिवार काफ़ी मुश्किल में है। एसोसिएशन सरकार मॉनिटरिंग समिति NCD से तुरंत राहत की मांग करता है। इस अवसर पर दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण गोयल ने कहा, मार्बल डीलर एसोसिएशन और कर्मचारी सीलिंग का विरोध करते हैं और तुरंत डी सील करने की मांग करते हैं। दिल्ली मार्बल डीलर एसोसिएशन के सचिव दिनेश जैन ने कहा, सीलिंग व्यापारी समाज और कर्मचारियों पर खुला अत्याचार है। प्रमुख मार्बल डीलर स्टोनेक्स इंडिया के प्रबंधक निदेशक गौरव अग्रवाल ने कहा, बाजार में हालात दिनों दिन वक्त से बेहतर होते जा रहे हैं, किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। सरकार और अधिकारी व्यापारी वर्ग के साथ यह सौतेला व्यापार बंद करें और तुरंत राहत दें। मॉनिटरिंग समिति के निर्देश के मुताबिक मार्बल मार्केट को एक भाग 19 अप्रैल 2018 को सील कर दिया गया था। ये कहते हुए कि मार्बल डीलर्स ने रजौरी गार्डन से मायापुरी के बीच रिंग रोड पर अतिक्रमण कर रखा है, जबकि तमाम सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वे अतिक्रमणकारी नहीं है। सीलिंग के बाद से मार्बल डीलर कई बार मॉनिटरिंग कमेटी से संपर्क कर चुके हैं पर कुछ नहीं हुआ। 2021 के मास्टर प्लान को बनाने की बजाय 19 अप्रैल की सीलिंग को सही साबित करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी ने जोर दिया कि SDM रिंग रोड को 210 फीट चौड़ी दिखाए, जबकि SDM 2021 में 60 मीटर चौड़ी ही है। RTI के जवाब नंबर 54/CPWD 111/1748 दिनांक 22/5/15 में लोक निर्माण विभाग ने कहा कि यहां रिंग रोड की चौड़ाई 60 मीटर है। सभी दस्तावेज संलग्न है। इस माप के आधार पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 99 संपत्ति स्वामियों को शनिवार 13/7/2018 को नोटिस जारी कर कहा कि वे अपने 48 निर्णय अतिक्रमण हटाएं। दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट NI 24 न्यूज़ 7 के लिए। धन्यवाद।